हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं। अब आपको जो करना है, आपको सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज में जाना है फॉर दी एडमिशन फॉर्मेलिटीज। और जो डेट्स हैं, ओके, कब तक आप कॉलेज में जा सकते हो, उसकी डेट, ये जो कैप का स्केड्यूल है इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। 21 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर के बीच में यू हैव टू रिपोर्ट कॉलेज, ओके, एंड यू हैव टू कन्फर्म योर एडमिशन। तो आपको जो भी कॉलेजेस अलोकेट हुए हैं, देयर आर मल्टीपल वेज। पहला वे, जो सबसे ईजी वे है, आपको कॉलेज के वेबसाइट पर जाना है। ओके, मैं आपको इस वीडियो में दो कॉलेजेस के एग्जांपल दूंगा, जैसे कि जीएलसी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो मुंबई में है, या फिर आईएलएस कॉलेज जो पुणे में है। ठीक है, इसी प्रकार से आप आपके जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, आप उसके वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर अगर वेबसाइट पे डिटेल नहीं दिख रही है तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप उनको कॉल कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप उस सिटी में हो तब वो कॉलेज विजिट कर सकते हो टू नो दी एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट जो आपको लगने वाले हैं। सो जीएलसी की वेबसाइट पे जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एडमिशन प्रोसीजर फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, ये 20 दिसंबर को फाइल अपलोड की गई है, इसको आपको ओपन करना है। एंड इवन अगर आप आईएलएस कॉलेज देख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको एडमिशन 2021-22 का राउंड वन का इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो भी कॉलेजेस हैं, आपको उसके ऊपर जो भी अनाउंसमेंट है या फिर कहीं पे नोटिस बोर्ड पे आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ओके, एडमिशन प्रोसेस कि अभी आपको क्या करना है। आप इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये रहा जीएलसी का इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का, और ये रहा आईएलएस कॉलेज का। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो पहला तो आपको डेफिनेटली लिखा हुआ है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में यू हैव टू विजिट। ओके, जैसे जीएलसी लिखा हुआ है 10 से लेके 12 के बीच में आपको टोकन नंबर लेना होगा। तो ये आप अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। हर एक कॉलेज का प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है, कहीं पे टोकन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। उनका एक टाइमिंग होगा, वो टाइमिंग आपको कॉलेज वाले ही बता सकते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट कॉलेज ओनली। और कुछ कुछ कॉलेजेस का एडमिशन फॉर्म होता है, ओके, एडमिशन फॉर्म शायद उनके या तो वेबसाइट पे हो या फिर उस कॉलेज के अंदर। ओके, तो आपको कॉलेज वाले से जब बात करोगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार से उनका एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। इसी पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको लिखा हुआ है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको, वो आपको लेके आने हैं। ठीक है, तो ऑल कैंडिडेट, जैसे कि मैं जीएलसी का आपको बता देता हूँ, एसएससी की मार्कशीट लगेगी, एचएससी का मार्कशीट लगेगा, सीईटी का स्कोर कार्ड, हॉल टिकट, नॉट मैंडेटरी, इट इज एन ऑप्शनल। तो अगर आपका हॉल टिकट खो गया है तो ये कंपलसरी नहीं है, आपके पास है तो आप सबमिट कर सकते हो। सीईटी 2021 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने सीईटी का फॉर्म भरा था वो लगेगा आपको। कैप राउंड का जो आपने फॉर्म भरा था और ऑप्शन फॉर्म, ये आपको लगने वाला है। स्कूल या ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ओके, इसमें से कोई एक। एंटी रैगिंग फॉर्म, ओके, फिल्ड बाय स्टूडेंट और पेरेंट्स। तो इसका जो फॉर्मेट है ये आपको कॉलेज वाले ही देंगे। तो इसी पर्टिकुलर पीडीएफ में जब आप लास्ट में आएंगे तो आपको दिखेगा एंटी रैगिंग का फॉर्मेट। आपको इसको प्रिंट लेना है और इसमें आपका नाम, जो भी डिटेल्स पूछा गया वो करके आपको साइन करके कॉलेज को सबमिट कर देना है। ठीक है, एंड अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हो तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगेगा। कुछ कॉलेजेस जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, जो सीईटी सेल ने फॉर्मेट अपलोड किया था वही एक्सेप्ट करेंगे, कुछ कुछ कॉलेजेस आपको बोलेंगे कि आप आपके कॉलेज से ही कन्वर्जन सर्टिफिकेट लाइए। तो जैसा भी होगा आपको वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। एंड जो मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं वो आपको प्री एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, ओके, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपके डिटेल सबमिट करना है, कॉलेजेस एक्सेप्ट वहाँ पे करना होता है, और उसका जो फॉर्म निकलेगा वो आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेटचर ए में आते हो तो जैसे कि आपके पास या तो डोमिसाइल होना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट का, या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग प्लेस ऑफ बर्थ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये आपको सबमिट करना होगा। ओके, एंड अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो भी रेलेवेंट, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके, ये आपको देना है। ओके, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन से बिलोंग करते हो तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जिस सेक्शन से भी आप बिलोंग करते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देने क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर एक ही कैटेगरी में आओगे, वो आपको देना है, एंड दैट्स इट। सिंपल सा प्रोसेस है। और यस, कॉलेजेस की फीस आपको कॉलेज वाले ही बता सकते हैं। तो जैसे जीएलसी की फीस आप यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप एडेड, दो टाइप के कॉलेजेस हैं जीएलसी के अंदर, एक एडेड कॉलेजेस आता है, एक अनएडेड आता है। तो अनएडेड की फीस है 9745, ओके, एंड
एडेड कॉलेजेस में दो कैटेगरीज हैं, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो 3745 है, और अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हो तो 4345 है. ओके, एंड जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं, महाराष्ट्र बोर्ड से हैं, तो उनको 200 रुपीज़ फीस है, और अदर देन महाराष्ट्र बोर्ड से हैं तो 1120 रुपये है. ओके, तो कॉलेजेस का जो रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन प्रोसेस का जो टाइमिंग है, वो है 21 से 24 दिसंबर अप टू 5 PM. फाइन, तो अभी आपको क्या करना है, आप जिस कॉलेज में भी हो उसके वेबसाइट पर जाइए, इस तरीके का आपको कुछ PDF दिखेगा, नहीं है तो कॉलेज को कॉल करके सारा डिटेल्स ले लीजिए. कितना सेट ऑफ फोटोकॉपी आपको लेके जाना है वो भी आपको कॉलेज वाले ही बताएंगे. ओके, आई रिकमेंड कि आपको कॉलेज में विजिट कर लीजिए एक बार, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कॉलेज से पूछ सकते हो. इसी प्रकार से नोटिस ILS कॉलेज का भी है. ओके, वहां पे आपको खुद ही जाना है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ. तो ये रहा ILS कॉलेज का प्रोसेस, 21 दिसंबर से 24 दिसंबर, ये जो डेट है. ओके, जो CET चलने हैं, जो कैप का शेड्यूल था उसमें लिखा हुआ है 24 दिसंबर टू 24 दिसंबर, इसके बीच में ही आपको जाना है. तो ILS कॉलेज में भी आपको इसी टाइम के बीच में ही आपको जाना है, 9:30 से 1 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा आपका, एंड 10 से 4 के बीच में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी कॉलेज का फॉर्म है वो सब चीजें होंगे, एंड आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन, पेमेंट ऑफ फीस, और आपको रोल नंबर और आईडी कार्ड भी उसी टाइम पे दे दिया जाएगा. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मोर और लेस सिमिलर है जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे कैप के राउंड के दौरान. ओके, जैसे कि आपका SSC का सर्टिफिकेट, HSC का सर्टिफिकेट, LLB 5 years का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, हॉल टिकट, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है हॉल टिकट इज नॉट मैंडेटरी, फिर आपका CET का स्कोर कार्ड और डोमिसाइल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा. ठीक है, और अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कैंडिडेट टाइप है वो आपको सबमिट करना है, और जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है. जो कैप के ब्रोशर में डॉक्यूमेंट्स हैं मोर और लेस वही आपको सबमिट करने होते हैं, कुछ अलग से कॉलेजेस डिमांड आपको नहीं कर सकते. ठीक है, एंड इस कॉलेजेस की, ILS कॉलेज की जो फीस है, अलग अलग कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से फीस स्ट्रक्चर है, अब जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो फीस आपको पे करनी होगी. ठीक है, तो कॉलेज के बारे में और जानने के लिए यू हैव टू गेट इन टच विद कॉलेज. सो इसी प्रकार से आप दूसरे कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है या फिर आप जिस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाके आप इस तरीके का PDF डाउनलोड करके उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए. अगर PDF नहीं है तो आप कॉलेज को कॉल करके पूछ लीजिए. फाइन, सो थैंक यू सो मच, एंड आई बिलीव ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए. थैंक यू सो मच.